अच्छा मेरी बैंगलोर रील के कमेंट्स पे मैंने बहुत सारी रील्स बना दी हैं, पर एक एक और यार एक बात बताओ, तुम हमेशा कहते रहते हो यू नॉर्थ ईस्ट गो बैक, सच में अगर हम सारे उठकर बैंगलोर से चले गए तुम्हारा शहर ना खाली हो जाएगा, मतलब तुम्हारे सारे पीजी खाली हो जाएंगे पहले तो ठीक है, जो पैसा तुम कमाते हो वो मिलेगा नहीं, कोरमंगला के सारे क्लब्स खाली हो जाएंगे भाई, जितनी भी सोनी सोनी लड़कियां पंजाबी म्यूजिक पे नाचती है फिर नहीं देखेंगी वहाँ पर, सोच समझ के बोला करो यार, कहीं तुम्हारी विश पूरी हो गई ना भाई, पूरी रौनक चली जाएगी, सुन्न पै जाएगी बैंगलोर में। आप अगर बैंगलोर पे कोई भी रील बनाओगे ना, आपको एक कॉमन कमेंट हमेशा आएगा और वो है लर्न कन्नड़ा। यार एक बात बताओ, हर चीज का सोल्यूशन लर्न कन्नड़ा थोड़ी हो सकता है, मैंने वाटर क्राइसिस पे रील बनाई, एक बंदे ने लिखा लर्न कन्नड़ा योर वाटर प्रॉब्लम विल गो अवे, ऐसा नहीं होता ठीक है, हिंदी और इंग्लिश सीखने में 20 साल लग गए हमें, मतलब टीचरों ने डंडे मार मार के सिखाई है तब हम सीखे हैं, कन्नड़ा सीखने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऑफ कोर्स आई वांट टू लर्न कन्नड़ा यार, बैंगलोर में मैं लाइफ टाइम रहना चाहती हूँ, लेकिन स्वल्पा स्वल्पा कोई चाबी नहीं आप भर सकते हमारे अंदर की, एक टपली मारी और कन्नड़ा सीख कर ठीक है, गिव अस सम टाइम। हाय गाइस, तो रिसेंटली मैंने बैंगलोर पे कुछ रील्स बनाई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, और मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से कोई दुखी हो या उसको ऐसा लगे कि मैं उनकी लैंग्वेज या कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ आपसे, आई एम सॉरी। आई लव ईच एंड एवरी लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ आपका प्यार मिले और बिल्कुल भी आपका दिल मेरी वजह से ना दुखे, सो सॉरी।